हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया हरी मिर्च का अचार। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और फटाक से बनने वाली रेसिपी है। बहुत जल्दी बनती है रेसिपी और बहुत इजी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। खाने के स्वाद को 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है, इतनी अच्छी है मिर्ची के अचार। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 100 से 150 ग्राम हरी मिर्च लिया है। इसे मैंने वॉश कर लिया, सुखा लिया, अच्छे कपड़े से साफ करके मैंने इसकी नमी को बिल्कुल ही अलग कर लिया, सुखा दिया इसे। इसके डंडल को हम निकाल कर अलग कर लेंगे। देखिए, मैं डंडल को निकाल कर अलग कर रही हूँ और मिर्ची को 2 पार्ट में आपको अलग करना है, 2 पार्ट में कट करके अलग करना है। देखिए, आप कैंची से भी काट सकते हैं पर मैं यहाँ चाकू से काट रही हूँ। देखिए, चलते मसाले तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 चम्मच सौंफ लिया है, 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है और 2 चम्मच राई लिया है। हमें इसको इतना ही भूनना है जब तक इसकी नमी ना चले जाए। मैंने यहाँ 1.5 से 2 मिनट इसे भूना है। देखिए, नमी चली गई इसकी। चलते हम इसे दरदरा पीस लेते हैं, बिल्कुल फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना आपको। और मैंने यहाँ 150 ग्राम ही सरसों का तेल लिया। इसे हम गर्म कर लेंगे, इतना गर्म करेंगे जब तक ये धुआं ना छोड़ने लगे। देखिए, धुआं छोड़ रहा है, यहाँ हम गैस को ऑफ कर देंगे। चलते हैं मिर्ची की तरफ। ये मिर्ची हमारी कट गई है। इसमें हम 2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हींग ऐड कर देंगे। ये पीसी हुई हींग है, इसमें ऐड करी। और 2 चम्मच नमक मैंने ऐड कर दिया, स्वाद अनुसार आप नमक ऐड कर सकती हैं। और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, बिल्कुल तीखा नहीं होता है। और 1/2 चम्मच अजवाइन मैंने ऐड किया। और ये दरदरा जो मसाले पीसे थे उसे हम ऐड कर देंगे इसमें। इसमें हम 4 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे, 4 से 5 चम्मच। अगर आपको विनेगर स्किप करना है, ऐड नहीं करना है, तो आप यहाँ 4 बड़े नींबू ले सकती हैं, उसका रस इसमें ऐड कर दीजिए। और ये जो मैंने गर्म तेल किया था ना, बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे। यह हम ऐड कर दिए, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लीजिए इसे। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी अचार बनता है हरी मिर्च का अचार। और अचार का जो तीखापन है बिल्कुल नहीं आता इसमें, विनेगर के कारण ये बिल्कुल ही कट जाता है इसके तीखापन, और अचार बिल्कुल ही टेस्टी बनता है। देखिए, अचार हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसे 2 से 3 दिन तक 2-2 घंटे के लिए धूप में रख सकती हैं। इससे क्या होगा, आपका अचार 1 साल तक अच्छे से चल जाएगा। और आप धूप में नहीं रखना चाहती है तो भी आपके 6 से 8 मंथ आराम से चलेगा। मैंने यहाँ एक जार ले लिया है, कांच की जार लिया है, इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब मिर्ची के अचार को हम इसमें रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे। आप कोई स्टील उशील का कंटेनर बिल्कुल ही ना यूज करें, उसमें अचार खराब हो जाते हैं। आप कांच का जार ही यूज करें। इसमें क्या, अपना अचार जो है सालों तक चलता है और बिल्कुल खराब नहीं होता है। हमारी अचार अच्छे से बन गई है। इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। देखिए, अचार हमारी कितना टेस्टी बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।